बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बनने जा रही है मसूर की दाल। और मसूर की दाल कैसे बनेगी और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 125 ग्राम मसूर की दाल ली है, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसकी कटिंग कर ली है, एक लार्ज साइज़ का अनियन लिया था जिसकी कटिंग कर ली है, 1 टेबल स्पून मैंने फुल लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिनकी कटिंग कर ली है, और थोड़ा सा साथ हरा धनिया लिया है जो कि इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये मसूर की दाल ज़बरदस्त और डिलीशियस कैसे बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दाल को अच्छे से वॉश करके 20 मिनट के लिए दाल को मैंने भगो दिया है। और अब हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं दाल के लिए। कढ़ाई में हम सबसे पहले 1/2 कप ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही हमारा ऑयल हल्का सा गर्म होता है तो हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। जी तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर 1 बड़े साइज का लार्ज अनियन कटिंग किया हुआ ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज हमारा हल्का सा सोते हो चुका है, अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनना है ताकि हमारा लहसुन अच्छे से भून जाए। जी तो लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़े साइज का कटिंग किया हुआ टमाटर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही हम अब इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। और स्पाइसेस में मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें क्या क्या डालेंगे। स्पाइसेस में हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और 1 क्यूब हम इसमें कनोर चिकन क्यूब का ऐड करेंगे। तो चलें स्पाइसेस डालते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के नमक। तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। दो से 3 मिनट के लिए अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएं और तमाम मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएं। मसाले की आपने अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। हमारे पास 125 ग्राम दाल थी तो हम इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि पानी में बॉयल आ जाए। जैसे ही पानी में बॉयल आता है तो फिर हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है, अब हम इसके अंदर 125 ग्राम भीगी हुई दाल ऐड करेंगे जिसको हमने भगो दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसको 20 से 30 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। जी तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और अब हम ढक्कन को उठाते हैं और देखते हैं कि हमारी दाल तैयार हुई है या नहीं। जी तो आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्नोर क्यूब और ये क्नोर क्यूब मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर साथ ही हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। जी तो अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 2 से 3 अदद कटिंग की हुई। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर देंगे। जी तो 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर दाल के अंदर धनिया ऐड करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की ये दाल तैयार हुई है। आप लोग भी ज़रूर बनाएं मेरी रेसिपी के साथ। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। वक्त आ गया है दाल को डिश आउट करने का, तो मैं दाल को डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो अब दाल की फाइनल लुक हम आपको दिखाते हैं और दाल को इस डोंगे में डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और लजीज दाल तैयार हुई है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही लजीज। आप देख सकते हैं जी तो ये है हमारी दाल की, मसूर की दाल की फाइनल लुक। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त लजीज दाल तैयार हुई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी आपके साथ और एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।